मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहने या नहीं रहने को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया गया है। अब जल्द ही राजभवन इस बारे में फैसला जारी करेगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के द्वारा सीएम हेमंत द्वारा अभिमान हैशटैग चलाया जा रहा है। इसके साथ ही झामुमो ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग का नाम बदलकर भाजपा आयोग कर देना चाहिए। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर झामुमो ने लिखा कि क्या संवैधानिक संस्थाओं ने अपने आप को बिका दिया है। चुनाव आयोग के सीलबंद लिफाफे के अंदर जानकारी क्या है, ये भाजपा सांसद इनके नेताओं और गोदी मीडिया के तथा कथित पत्रकारों से कैसा पता चल पाएगा। वहीं बता दें कि झामुमो ने लिखा कि जनता के दरवाजे में भाजपा के निर्जल नेता झारखंड के आदिवासी पुत्र और झारखंडी सरकार के बार बार हराते चले जा रहे हैं। इनसे कुछ ना बन सका तो ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने पर उतारू हो गए हैं, मगर यह झारखंड है शोषण का जवाब देना हम जानते हैं। खैर, इस मामले को लेकर लगातार जो है झारखंड में सियासी उफानों पर है। बाकी ये देखना है कि सीएम हेमंत सोरेन का जो फैसला है, साथ ही उस पत्र पर क्या आता है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।